हेलो फ्रॉम भीमास, लेट्स कुक लाइक भीमास एंड मंच लाइक भीमास। तो आज मैंने बनाया है स्पेशल वाला ऑमलेट, वो है स्पैनिश ऑमलेट। ये स्पेन का ट्रेडिशनल डिश है। इसमें पोटैटोस तो डालते हैं पर ऑनियंस ऑप्शनल है। तो चलिए मेरे साथ स्पैनिश ऑमलेट बनाने के लिए। पहले हम एक कढ़ाई में ऑयल गर्म कर लेंगे और उसमें हम पोटैटोस डालेंगे जिसे मैंने थिक पीसेस में काट लिया था। तो अब हम पोटैटोस को गोल्डन ब्राउन में फ्राई करेंगे और तब तक फ्राई करेंगे जब तक वो सॉफ्ट ना हो जाए। इस ऑमलेट को पोटैटो एग पाई भी कहते हैं। तो देखिए हमारे पोटैटोस फ्राई हो रहे हैं। पोटैटोस को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, वो सॉफ्ट रहेंगे ही तो अच्छा लगेगा। तो देखिए पोटैटोस तैयार हो चुके हैं, उसे सेपरेट से बॉल में निकाल लीजिए। बाद में जब पोटैटोस फ्राई हो जाएंगे तब उसमें कटी हुई ऑनियंस डालिए एक कप। तो इस ऑनियंस को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस लाइट से ही फ्राई करके निकाल लेना है। अगर आप घर पे बोर हो रहे हो कि वही सेम ऑमलेट खाने से, तो आप ये वाला ऑमलेट ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए ऑनियंस फ्राई हो चुके हैं। तो अब बारी आती है ऑमलेट की तैयारी। तो मैंने 4 एग्स लिए थे, फ्राइड पोटैटोस, फ्राइड ऑनियंस, पेपर पाउडर और सॉल्ट। तो मैंने एक बाउल में 4 अंडों को तोड़ के डाल देंगे उसमें। फिर हम डालेंगे उसमें सॉल्ट। सॉल्ट स्वाद अनुसार डालिए उसमें। फिर हम डालेंगे पेपर पाउडर। पेपर पाउडर भी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। फिर हम इसे बीट कर लेंगे एक बीटर के साथ। अगर हम इसे बीट करेंगे अच्छे से तो ये बहुत ही प्लफी बनेगा। हमें इसे मैक्सिमम 10 मिनट तक बीट करना है। तो देखिए हमारा बैटर कुछ ऐसा लगना चाहिए। फिर हम उसमें ऐड करेंगे फ्राइड पोटैटोस जो हमने पहले से फ्राई कर लिया था। फिर हम ऐड करेंगे उसमें फ्राइड ऑनियंस। फिर हम उसे अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम उसमें डालेंगे कोरिएंडर जो मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था, उसे अच्छे से मिला लें। मिलाने के बाद हम एक तवा गरम कर लेंगे, उसमें हम ऑयल डालेंगे 1 टेबलस्पून और ऑयल को अच्छे से हीट कर लेंगे। फिर हम उसमें डालेंगे बैटर। फिर हम उसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और वो भी 5-7 मिनट तक उसे अच्छे से कुक कर लेंगे। फिर ढक्कन को निकाल के तो देखिए हमारा ऑमलेट एक तरफ से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसके ऊपर एक प्लेट लगा लेंगे और उसे फ्लिप कर लेंगे। तो फिर उसी तवा में थोड़ा ऑयल डालेंगे और फिर से उस ऑमलेट को डाल देंगे उसमें। तो मैंने फिर से इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया था। फिर से हम उसे 6-7 मिनट तक वेट करेंगे। तो देखिए हमारा स्पैनिश ऑमलेट तैयार हो चुका है। तो देखिए वो कितना ही प्लफी लगा है देखने में। देखिए हमारा यमी स्पैनिश ऑमलेट। बनाने में तो वक्त लगता है पर खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। वो कहते हैं ना कि सब्र का फल बहुत ही मीठा होता है, तो वही है ये। मीठा तो नहीं है पर टेस्टी बहुत है ये। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करना मत भूलिएगा और घर पे ये वीडियो ट्राई करिए और मुझे उसका पिक्स मेरे इंस्टाग्राम आईडी भीमास किचन पर भेज दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।